नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। जी हाँ, जहाँ पर हम आपको प्रत्येक बीमारी की जानकारी के लिए प्रत्येक विशेषज्ञों से आपको मिलवाते रहते हैं, ऐसे ही आज मेरे साथ मौजूद हैं केसी अस्पताल की संचालक डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल जी। आज हम इनसे जानेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें जो सर्दियों का मौसम है किस तरीके से अपना और जो है बेबी का ख्याल रखा जाता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल केसी अस्पताल में कार्यरत हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो इस मौसम में विशेषकर जुकाम, सर्दी, बार की परेशानी हो जाती है तो गर्म कपड़े पहने रखें, सर्दी से अपना बचाव करें। सर्दियों की एक खास बात ये है, इसमें अनीमिया से समाधान के हमारे पास बहुत सारी सब्जियां, जैसे कि हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, गाजर वगैरह भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। तो सभी गर्भवती महिलाओं से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अनीमिया की रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, गाजर खाएं और अपने आप को हीमोग्लोबिन की कमी से दूर रखें। और सर्दियों में के साथ साथ ही अब कोरोना वायरस से भी हमें बचाव की ज़रूरत है, इसीलिए भीड़ भाड़ से बचें और उचित दूरी बना के मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तो मैम, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं गर्भ के दौरान उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए, जैसे भी सामान ना उठाना या किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए? गर्भवती महिलाओं को पहले 3 महीने में जो बोझ की का जो परहेज है वो करना चाहिए, भारी सामान नहीं उठाना चाहिए और अगर कुछ सामान उठाना भी पड़ता है तो उसको डिवाइडेड तरीके से जैसे 2-2 किलो करके उठा सकते हैं। और साथ में के फिसलने से बचना चाहिए, कहीं पे भी जाने से या बहुत दूर की यात्रा करने से भी बचना चाहिए। अपने घर में ही जो सारा अपना रूटीन का कार्यक्रम है वो सब रूटीन का जो काम है वो कर सकती हैं गर्भवती महिलाएं। और दूध विशेषकर बताना चाहूंगी कि दोनों टाइम उन्हें लेना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ केसी अस्पताल संचालक डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल जी, जिनसे हमने काफी जानकारी ली। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे बने रहें और देखते रहें सर्वोदय टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। जी हाँ, जहाँ पर हम आपको प्रत्येक बीमारी की जानकारी के लिए प्रत्येक विशेषज्ञों से आपको मिलवाते रहते हैं, ऐसे ही आज मेरे साथ मौजूद हैं केसी अस्पताल की संचालक डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल जी। आज हम से जानेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें जो सर्दियों का मौसम है किस तरीके से अपना और जो है बेबी का ख्याल रखा जाता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल केसी अस्पताल में कार्यरत हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो इस मौसम में विशेषकर जुकाम, सर्दी, बुखार की परेशानी हो जाती है तो गर्म कपड़े पहने रखें, सर्दी से बचाव करें। सर्दियों की एक खास बात यह है कि इसमें अनीमिया से समाधान के लिए हमारे पास बहुत सारी सब्जियां, जैसे कि हरी सब्जी, पालक, बथुआ, मेथी, गाजर वगैरह भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। तो सभी गर्भवती महिलाओं से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अनीमिया की रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाएँ, गाजर खाएँ और अपने आप को हीमोग्लोबिन की कमी से दूर रखें। और सर्दियों में के साथ साथ ही अब कोरोना वायरस से भी हमें बचाव की ज़रूरत है, इसीलिए भीड़ भाड़ से बचें और उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तुम जो गर्भवती महिलाएं होती हैं गर्भ के दौरान उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए, जैसे भारी सामान ना उठाना या फिर किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए?
गर्भवती महिलाओं को पहले 3 महीने में जो बोझ की का जो परहेज है वो करना चाहिए, भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, और अगर कुछ सामान उठाना भी पड़ता है तो उसको डिवाइडेड तरीके से जैसे 2-2 किलो करके उठा सकते हैं, और साथ में के फिसलने से बचना चाहिए, कहीं पे भी जाने से या बहुत दूर की यात्रा करने से भी बचना चाहिए, अपने घर में ही जो सारा अपना रूटीन का कार्यक्रम है सब रूटीन का जो काम है वो कर सकती हैं गर्भवती महिलाएं, और दूध विशेषकर बताना चाहूंगी कि दोनों टाइम उन्हें लेना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ केसी अस्पताल की संचालक डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल जी, जिनसे हमने काफ़ी जानकारी ली। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सर्वोदय टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। जी हाँ, जहाँ पर हम आपको प्रत्येक बीमारी की जानकारी के लिए प्रत्येक विशेषज्ञों से आपको मिलवाते रहते हैं, ऐसे ही आज मेरे साथ मौजूद हैं केसी अस्पताल की संचालक डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल जी। आज हम इनसे जानेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें जो सर्दियों का मौसम है किस तरीके से अपना और जो है बेबी का ख्याल रखा जाता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल केसी अस्पताल में कार्यरत हूँ, और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो गर्भवती महिला को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो इस मौसम में विशेषकर जुकाम, सर्दी, बुखार की परेशानी हो जाती है, तो गर्म कपड़े पहने रखें, सर्दी से अपना बचाव करें। सर्दियों की एक खास बात यह है कि इसमें अनीमिया से समाधान के लिए हमारे पास बहुत सारी सब्जियां, जैसे कि हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, गाजर वगैरह भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। तो सभी गर्भवती महिलाओं से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अनीमिया की रोकथाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, गाजर खाएं, और अपने आप को हीमोग्लोबिन की कमी दूर रखें, और सर्दियों में के साथ साथ ही अब कोरोना वायरस से भी हमें बचाव की ज़रूरत है, इसीलिए भीड़ से बचें और उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तो मैम, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं गर्भ के दौरान उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए, जैसे भारी सामान ना उठाना या फिर किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए उन्हें? गर्भवती महिलाओं को पहले 3 महीने में जो बोझ की का जो परहेज है वो करना चाहिए, भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, और अगर कुछ सामान उठाना भी पड़ता है तो उसको डिवाइडेड तरीके से जैसे 2-2 किलो करके उठा सकते हैं, और साथ में ये फिसलने से बचना चाहिए, कहीं पे भी जाने से या बहुत दूर की यात्रा करने से भी बचना चाहिए, अपने घर में ही जो सारा अपना रूटीन का कार्यक्रम है वो सब रूटीन का जो काम है वो कर सकती हैं गर्भवती महिलाएं, और दूध विशेषकर बताना चाहूंगी कि दोनों टाइम उन्हें लेना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ केसी अस्पताल की संचालक डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल जी, जिनसे हमने काफ़ी जानकारी ली। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सर्वोदय टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देखें सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। जी हाँ, जहाँ पर हम आपको प्रत्येक बीमारी की जानकारी के लिए प्रत्येक विशेषज्ञों से आपको मिलवाते रहते हैं, ऐसे ही मेरे साथ मौजूद हैं इसी अस्पताल की संचालक डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल